और इसका ड्रग कनेक्शन क्या है, यही तार कैसे जुड़ेंगे, यही तार कैसे जुड़ेंगे, त्रिपाठी ये बहुत अहम होगा, क्योंकि जिस जगह पर आप खड़ी हैं वो तस्वीर भी बहुत अहम है। लगातार हमें दिखाते जाइए वो तस्वीर। मौसमी, क्या अपडेट उधर से? जी, खबर बोले तो आज तक, और जिस तेजी से आज तक खबर दिखाता है कोई नहीं दिखाता है, चाहे हमें वो एक पैर पे ही क्यों ना खड़े रहना पड़े, इस तरह से हम चढ़ के आपको दिखा रहे हैं। हमने वो गाड़ी ढूंढ ली है जो रिया की गाड़ी है, और ये जाली के पूरे जाल के पीछे अगर आप देखें तो वो जीप गाड़ी है, MH02 FE 1663। आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पे ये वो गाड़ी है। याद कीजिए, नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो ने जब परसों छापेमारी की थी, रेड की थी, तो यहाँ पे पीछे डिक्की खुली हुई थी और पूरी गाड़ी की गहन पड़ताल हुई थी। बताया जा रहा है कि रिया की ये जो गाड़ी है, इससे जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी सामग्री है वो उठा के जांच के लिए भेजा गया था। आप अगर सोसाइटी को देखें तो जो प्रिमरोज अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ आपको नज़र नहीं आएंगी। ज़ाहिर तौर पर ये काफ़ी अच्छा पॉश इलाका माना जाता है, इक्का दुक्का लोग सुबह नज़र आ जाएंगे। सिक्योरिटी का तांता काफ़ी ज़्यादा है, जो यहाँ की सोसाइटी की सिक्योरिटी है। और ऊपर अगर आप देखें तो पूरा बाईं तरफ से लेके आपको तो सारी खिड़कियाँ हम आपको दिखा रहे हैं, घर की बाईं तरफ आप देखें तो पूरा जो आपको पर्दे से ज़्यादा खिड़की की तरह एक बंद नज़र आ रहा होगा, वो पूरा फर्स्ट फ्लोर लेफ्ट से लेके राइट तक वो रिया का मकान है। रिया अब भीतर है, और जाहिर तौर पे ये वो वक्त है जब रिया चक्रवर्ती भी ये सोच रही होंगी कि उनकी मुसीबत, उनकी मुश्किल कितनी बढ़ने वाली है। और ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें बैक साइड से दिखा रहे हैं, जहाँ से जैसे ही नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम आएगी तो हम आपको नवजोत वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। और आज तक हर हाल पे सही खबर दिखाने पे अड़ा हुआ है, बिल्कुल सही, स्पष्ट और निष्पक्ष खबर दिखा रहा है आज तक, और लगातार सबसे पहली तस्वीर, सबसे पहली खबर, और इन डेप्थ यानी कि सारी तफ्तीश के साथ आज तक आपको दिखा रहा है हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी, मौसमी सिंह। लगातार तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, और बताएं कि रिया की गिरफ्तारी को लेकर सबसे पहले सबसे सटीक खबर आपको मिलेगी आज तक पर। अरविंद ओझा, एनडीपीएस एक्ट 67 के तहत जो बयान दर्ज अब हुआ है दीपेश सावंत का, बहुत अहम है। पहली बात, जानकारी थी दीपेश को भी कि नशीले पदार्थ खरीदे जा रहे हैं, और कौन खरीद रहा है, किसके जरिए खरीदवाए जा रहे हैं, और दीपेश क्योंकि घर के अंदर रहता था और दीपेश को ये बात पता थी कि किस तरीके से न सिर्फ खरीदे जा रहे हैं बल्कि दिए भी जा रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट ये गिरफ्तारी और ये बयान।